चालू रखेगा वो अमीन चालू रखेगा लाइट खोल देना इस जगह
नमस्ते।
प्रभाव करिएगा आज का क्या था? राग का नाम जब ये स्वर आता है एक ही राग का नाम लेते हैं, जो नहीं जानते हैं रागों के बारे में वो भी इस राग का नाम लेते हैं। ऐसे राग की आराधना से ऐसे राग के पुष्प उस महान संगीत मनीषी को समर्पित है। नहीं लगाएंगे तो नीचे के स्वरों की जो अनुभूति है, जो राग जहाँ से स्पष्ट होता है वो आप स्पष्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए निमित्ता चाहिए खरच के स्वर अभ्यास में। जो रियाज है सुबह का, उसमें खरच का अभ्यास भी बहुत जरूरी है, सुबह का अभ्यास ही जरूरी है। Thank you.
फिल्म संगीत में इन स्वरों का लाइट म्यूजिक में बहुत इस्तेमाल हुआ है और उसकी उस राग की शास्त्रीयता को समाप्त करके कंपोजिशन और तालियां बटोरी गई हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत अपनी जड़ों पर चलता है, अपनी जड़ों पर पनपता है, तो उस राग की शास्त्रीयता को कायम रखते हुए आज का स्वर का रियाज है राग पुरियाधनाश्री। भातखंडे जी एल एल बी थे,
इंग्लिश, हिंदी, मराठी पर उनका प्रभुत्व था और उनके दिव्या पर सरस्वती विराजमान थी, तभी तो अलग अलग धाराओं में बहने वाले सारे संगीतकारों को उन्होंने एकत्रित करने की हिम्मत जुटाई होगी और सारे उनकी जुम्मा से प्रभावित होकर उनके साथ हो दिए। थाट है एक पूर्वी और उस पूर्वी थाट से उत्पन्न है राग पुरियाधनाश्री।
गा रे कल है लेकिन हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं मेरे गा मारे समाज के सामने समाज उसको किस रूप में लेता है उनके दृष्टिकोण को कैसे सोचता है ये समाज का दायित्व बनता है और संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों का दायित्व बनता है। ने ने रे रे गा गा मामा जाते हैं।
उनके जवाब हमारे जो सीनियर बच्चे हैं जैसे प्रीत ने जवाब दे दिया पुरियाधनाश्री बराबर है, ऐसे जवाब देते रहेगा। आज स्वरों को साथ लेते हुए स्वरों के पुष्प लेते हुए भातखंडे जी के चरणों में अर्पित समर्पित है और फूल का चुनाव किया है पुरियाधनाश्री। मेरे गामा पा धामा पा
सही रास्ते पर जा रहे हो, तो वो विशाल दर्द दुख जो गायब होता है, कहाँ जाता है और क्या आता है, ये केवल निषाद ही समझ सकता है। मेरे राम दानी दा, जवाब में देते रहूंगा बाद में। मेरे गाम दानी, जैसे भातखंडे जी का विशाल व्यक्तित्व है, मतलब उसको आप उसको कितना बताएंगे, कितना कहेंगे। एक साल पहले भी क्लास किया था, कोशिश कर रहा हूँ कि और किस दृष्टिकोण से भातखंडे जी को और उनके दृष्टिकोण में बताए हुए राग को उन्होंने जो रखा है उस दृष्टिकोण से पूरियाधनाश्रि को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरियाधनाश्रि का लक्षण भी मुझे बेहद पसंद है। काम दानी दानी दा, चलो की स्वागत है चाहे उसका आप कैसे उस आशीर्वाद लेते हैं, ये आपके ऊपर बनता है। गामा दानी मानी, चलो गामा दानी मानी। करिए पहला दूसरा तीसरा, आप किस तरह से कितना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये सोच लेकर चलेंगे तो कुछ सालों बाद आपके पास भातखंडे जी के तीन अलंकारों का से बना हुआ हजारों 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 सुंदर सुंदर टुकड़ों का अनमोल खजाना होगा। मेरे गाम दानी, विद्या होती थी, गुरु ने बताया, राजा क्या, राजगायक ने बताया और उसके शिष्यों ने, उसके परिवार के लोगों ने वैसा के वैसा गा दिया, क्योंकि उस गुरु को भी जैसे उसके गुरु ने बताया था वैसे ही उसने उस दृष्टिकोण से अपने गाने को समझाया। भातखंडे जी ने आम जन तक ये संगीत पहुँचे, इसलिए स्वरों के उसकी स्वरलिपि को एक नई स्वरलिपि का रूप देकर सामने लेकर आए। कोई स्वर नहीं है तो मध्य सप्तक है, अगर किसी स्वर के नीचे बिंदी लगी है तो मध्य सप्तक है, किसी स्वर के ऊपर बिंदी लगी है तो वो तार सप्तक है, किसी स्वर के नीचे आड़ी लाइन लगी हुई है तो वो कोमल स्वर है, और किसी स्वर के ऊपर खड़ी लाइन लगी हुई है तो तीर मध्य है। ये सारी की सारी कल्पनाएं भातखंडे जी ने समाज को दी है, हम कितना कैसे उनका ऋण चुका सकते हैं, संभव ही नहीं। हम उनको याद कर लें, उनकी बातों को एक दिन समझ कर जीवन का महीन साल भर भी अगर करते रहे, जीवन भर भी करते रहे, तो आप संगीत के गुण को जान सकते हैं। मेरे गाम दानी, चलो नी डा पा मगर नी
पर मुझे तानपुरा लगता है ना बेटा, मुझे तानपुरा मिलेगा नहीं तो फिर मैं अपनी बात को कहने से थोड़ा वो होता है। अभी ठीक है तानपुरा, थोड़ा सा बढ़ाओ क्योंकि आप अकेले गा रहे होते हैं यहाँ पर। अभी 145 और 60 इतने लोगों को साथ लेके चलता हूँ। मेरे गा मदानी कामों से हो रहा है ना,
तो उस कामों को भी तो सामने लाकर लोगों को प्रेरणा दीजिए और वो काम बताइए कि वो काम होता कैसे है। केवल रेडीमेड मिठाई रसगुल्ले आप सामने ले आए, जलेबी ले आए, जो बहुत कठिनाई से बनती है जो मिठाइयाँ, लेकिन वो मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत अच्छी हैं, कोई बात ही नहीं है उसमें, वो तो अमृत है। लेकिन वो बनी कैसे है, बनती कैसे है, क्या यहीं पर समाप्त करेंगे? संगीत का रास, मंचों का रास, रागों का रास इसीलिए हो रहा है। शायद मेरी बात कड़वी हो, लेकिन अब बात कहता हूँ तो कहता हूँ। रास होने का एकमात्र कारण है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मंच पर, थालियों में, सब जगह परोस रहे हैं, लेकिन हमारे संगीतकार, हमारे गार, वो बनता कैसे है, उसको बनाया कैसे जाएगा, उसको बनने के लिए क्या करना होगा, वो बनाने की विधि और बनाने वाले, उन दोनों को ही समाज बोलता जाए। मेरे गामदानी, कभी नहीं आया, क्योंकि वो इस सबसे परे थे, वो एक ऋषि थे, अपना काम करने के लिए आए थे और आकर चले गए। लोग उसका कैसे फायदा लेंगे, क्या लेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस बात को समझेंगी। मेरे गामदानी, किताबों में बंदिशें हम सीखते हैं, वो बंदिशें, वो दाव कैसे उन्होंने वो लिए होंगे, और कैसे इतने पढ़े आदमी, एलएलबी जो व्यक्ति हो, जिसका वकालत चलती हो, वो सब छोड़कर पूरी दुनिया हिंदुस्तान घूमकर लोगों के सामने कटोरा लेकर भीख मांगकर किताबें छापकर बंदिशें बनाकर कलाकारों को जोड़कर राजे महाराजाओं को दंडवत करके उन कलाकारों को एकत्रित करके कैसे उन्होंने बंदिशें ली, और जो सहा होगा तो उन्होंने अपना दर्द कहाँ व्यक्त किया होगा, तो उन्होंने अपना व्यक्त सारा का सारा अपनी पुस्तकों में लिख दिया हुआ है। मेरे गामदानी रे नीरा पमागा, चलो मेरे गामदानी रे नीरा पमागा, गामदे मागा, गामदे मागा, वो सारा का सारा रियाज अगर हम करते तो
ग्रास की वजह सारी बातें नहीं हो पाती है, तो एक ऐसे ही किसी शायद भातखंडे जी ने ही ऊपर से आके अभी कहा होगा कि बेटे आज ऐसा कर दो ऐसा कर दो, तो ऐसे पूरियाधनाश्री को आपके सामने एक क्लास में लाया हूँ, जब कभी मौका मिलेगा तो इसको डिटेल दूँगा। निरे ग मरा निरे निरा बा मा ग मरे ग
लेकिन वो श्रोता आज एक को सुनता है, कल दूसरे को सुनता है, परसों तीसरे को सुनता है, फिर सुनता है, और सब में रस ढूंढता रहता है। लेकिन जो एक जो संगीत को गहराई से समझता है, गहराई गहराई अनंत गहराइयों में जाकर उसमें से मोती निकालने की कोशिश करता है, उसके साथ जो लोग होते हैं ना वो उसके ही होते हैं। तो भातखंडे जी के साथ भी ऐसे ही लोग बने रहे, ऐसे अनुराधन जनता राजा भैया पूछ रहे हैं। और ग्वालियर के एक पूरी की पूरी एक नई पौध भातखंडे जी ने पैदा की थी, और संगीत का प्रचार प्रसार करने के लिए, संगीत को और गहराई से समझने के लिए पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि उस समय पर हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक ही था, सारे जगह पर उन्होंने अपने अपने शिष्यों को भेजकर संगीत के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। और वहीं से फिर कलाकारों की एक नई पौध बनना चालू हुई। उन शिष्यों के फिर तमाम 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 कलाकार हैं जो आज के उन कलाकारों के भी शिष्य, उन कलाकारों के भी शिष्य आज हम समाज में मंचों पर देखते हैं। वो कितना कठिन राग है, मतलब पुरियाधनाश्री इतना मामूली नहीं है। और वो यो 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 भातखंडे जी ने की कृपा से और स्वर की अनुभूति से, और वो आपको यो स्वर जम गया, इतना आसान नहीं था। आगे बढ़ ही नहीं पाता हूँ, जब कभी समस्या आती है तो किसी राग को समझने के लिए उस राग शास्त्र को देखता हूँ।
ma ra ni re ni da ba pa da ma ba ga ma re ma ga. Chalo. Re ga ma da ni re ni da ba ma ra ma ba. Oh my God.
कहते हैं या इस बीज मंत्र कहने पूरा पुरियाधनाश्री क्लियर, जो पुरियाधनाश्री की बात है वो पूरी क्लियर हो जाती है, क्योंकि अपन हर बार हर रियाज सत्र में बीज मंत्र से चालू लेते हैं। तो पुरियाधनाश्री को समझना हो तो पूरा आरोह अवरोह का बीज मंत्र है, चालू करो। राजशास्त्री नाम है, चार भाग हुए उनके राजशास्त्री। गुरु शिष्य के बीच के संवाद, राग की बारीकियां, स्वर की बारीकियां, संगीत की, जीवन में विद्यार्थी को जरूर पढ़ना चाहिए। जीवन में अगर वो नहीं पढ़ा तो जो कहते हैं कि जीवन में आप आया संगीत को सीखा लेकिन वो शास्त्र नहीं पढ़ा, तो आपने फिर आपने संगीत को केवल ऊपरी ऊपरी दृष्टिकोण से देखा है या केवल जितना आपको बताया गया है उसी दृष्टिकोण से देखा है। बहुत ज़्यादा जहाँ पर कहते हैं कि रागों के बारे में आपस में कलाकारों की अलग अलग विचारधाराएँ जो हैं, अलग अलग दृष्टिकोण जो हैं, वो सारे दृष्टिकोण हर राग में कैसे 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 अलग अलग हो सकते हैं, फिर भी वो संगीत एक हो सकता है, फिर भी वो राग राग रह सकता है, फिर भी सारे घराने घराने हो सकते हैं। उन सारी बातों को भातखंडे जी ने राग शास्त्र में जितने सरल तरीके से समझाया है, जितने क्योंकि संगीत में पढ़ना मतलब एक तरह से बोरियत का काम हो सकता है थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वाले आदमी को, लेकिन सवाल जवाब को जितने रोचक अंदाज में दिया जा सकता है उस रोचक अंदाज में देने का प्रयास भातखंडे जी ने अपनी पुस्तकों में किया।
अंगत है उनके। जब कोई व्यक्ति काम करने की सोचता है ना, तो फिर वो काम करता है, और जितना झुककर, क्योंकि कुछ काम झुककर ही हो सकते हैं, और संगीत जैसा विषय तो आप केवल समर्पण समर्पण और समर्पण, इसके अलावा और कोई शब्द किसी भी प्रकार की बातों से आप कर ही नहीं सकते हैं, केवल समर्पण चाहिए होता है। और भातखंडे जी ने समर्पण करके कितने सारे राग, अनगिनत रागों को 6 भागों में दिया, एक एक नहीं, लोगों को एक बंदिश केवल सीखने में और सिखाने में मालूम पड़ जाता है कि गाना बजाना क्या है। एक एक राग की कितनी कितनी बंदिशें उन्होंने इकट्ठी की हैं, और केवल बंदिशें ही नहीं, उन्होंने तराने, सरगम, लक्षण गी, छोटा ख्याल, चतुरंग, ठुमरी, दादरा, अलग अलग ताल, अलग अलग इसमें कैसे इकट्ठे किए होंगे। तो ऐसे व्यक्ति को किस भाव से अपनी जिंदगी को पूरा जिया होगा, ये तो केवल वही जानता होगा और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उसने केवल कितना असाध्य है किसी चीज को प्राप्त करना खुद के लिए और समाज के लिए विशेषकर। तो ऐसे ऐसे और उसके बाद में भी, इतना हो जाने के बाद में भी, पूरे समाज को ही उन्होंने गुली कहा है। उनके कोई भी जो मुझे वो लक्षण की पुरियाधनाश्री का इसलिए पसंद है कि उन्होंने बात ही ये कहा है कि मैं तो हूँ ही नहीं, राग है और सारे गुणीजन हैं जिनसे उन्होंने लिया है, या वो आगे आने वाली पीढ़ी जो सामने बैठी हुई है, आप सारे लोग गुणी हैं, और उस गुण को साध्य करके, गुण को ग्रहण करके अपने जीवन को, अपने सांगीतिक जीवन को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। यह आशीर्वाद शायद भातखंडे जी ने दिया होगा, और उसी बात को लेकर इस पुरियाधनाश्री का लक्षण भी। ग्वालियर घराने में सरगम लक्षण गीत सिखाने की परंपरा रही है। लक्षण गीत मतलब जिसमें राग के लक्षण हो, थ्योरेटिकल राग बताना, राग मंच पर गाना, फिर रागों को विकृत स्वरूप में प्रकट करना, ये आज के दौर में होने लगा है, क्योंकि हम उस राग के लक्षण गीत को मैं अन्य रागों की छाया को समझते नहीं हैं, इसलिए जैसे जैसे मन में जो जो आते जाते हैं भाव, वैसे वैसे प्रकट करना शुरू करते हैं। बस तो अपने को अपन तो अपनी बात करते हैं। गावता कर रहे हो, एक अलीशान महल में आप रहते हो और उस महल की यात्रा से बाहर निकले हुए हो, मेरे साथ होता है, मुझे लगता है कि आपके साथ भी होता होगा, उस जंगल में आने वाली जो झोपड़ियाँ होती है ना, उन झोपड़ियों में रचने बसने और रहने का मन करता है कि वो झोपड़ी मुझे मिल जाए। मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ जब निकलता हूँ कहता हूँ, अरे बच्चे मेरे जानते हैं, और मेरा सपना है ये झोपड़ी हो, झोपड़ी में लिखी उपाई कुटाई की बढ़िया झोपड़ी हो, और उस झोपड़ी में हम आनंद के साथ में जीवन बिता रहे हैं। सुख सुविधाएं क्षणिक है, जरूरी है, जो सुख सुविधाएं 5-स्टार की है वो आज का शास्त्रीय संगीत है, और वो जो मिट्टी से लिपी पुती जो झोपड़ी है वो हमारा प्राचीन संगीत और भातखंडे जी सर के ऋषि मुनि है, जिन्होंने इस संगीत को, इस जीवन को, आपको अपना जीवन संगीतमय ढंग से परिपूर्ण बनाने के लिए इस संगीत को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। गावत सकल गुणी, गावत सकल गुणी, गावत सकल गुणी। उनका ही कई लक्षण गीत उन्होंने बनाए हैं चतुर पंडित के नाम से, उनका बनाया हुआ लक्षण गीत है। क्या विलक्षण प्रतिभा है, बंदिशें लेना, बंदिशों को छापना, और जो नहीं है, रागों की जानकारी उपलब्ध नहीं है, उनको
बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप में शब्दों में पिरो कर उसे कविता बनाना कब कैसे किया होगा 70-80 साल की उम्र में, क्या क्या किया होगा उन्होंने, कि वो बंदिशें भी बना लेना, उस बंदिशों को कंपोज भी करना, बंदिशों को सिखा भी देना, बंदिशों को किताब के रूप में भी लाना, और फिर समाज के साथ लड़ते झगड़ते झगड़ते उनको उनको सर्वमान्य बनाना, कितना महत्व कार्य होगा। कहाँ क्या शब्द में हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं, क्या कहा जा सकता है उनके बारे में। और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि आप ही गुनी हो, मैं गुनी नहीं हूँ, क्योंकि आप इस संगीत को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, आप उसको आगे बढ़ाने वाले हैं, इसलिए आप सारे गुनी हैं, मैं तो आपके सामने सामान्य सा सिखाने के लिए या किताबों के रूप में आपके सामने छप कर शायद कोई याद कर ले, कभी कर ले तो कर ले, और नहीं करे तो जरूरत भी नहीं है उसकी, क्यों, क्योंकि आप सारे लोग गुणी हो, वो बने रहो, वो जरूरी है। गावत सकल गुणी मर्म भी हमको समझ में आ जाए तो आज की क्लास सार्थक हो जाएगी। क्या उन्होंने एक एक शब्द को ऐसे झपताल में बांटा हुआ है, गावत सकल गुणी गावत सकल गुणी गावत सकल गुणी गावत सकल गुणी, गाने को जो भी गा सकते हैं, गा सकल गुणी ऐसा भी गा सकता है, ऐसा किताब में तो सोच कर गाएंगे तो भातखंडे जी को भी लिखने की भी एक सीमा होती है, तो वो उस सीमा में उन्होंने ये लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप गुणी हो ना, तो आप रास्ता बनाओ ना खूबसूरत सा, आप क्या कर सकते हैं। मेरे को मेरे गुरु जी के मार्फत ये समझ में आया कि इसको ऐसे इसका रास्ता खूबसूरत सा बन सकता है, जहाँ हरियाली हरियाली हो, एक कुटिया हो, उस कुटिया में हम और आप रह रहे हों और उस संगीत का आनंद ले रहे हों और प्रकृति के करीब। गावत सकल गुणी 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 गावत सकल गुणी, क्या कह रहे हैं, ऐसे क्या कल्पना सोच के बनाया होगा पूरिया करना ही क्यों है, इसलिए तो करना है, रोज का रियाज है इसलिए, क्योंकि हर दिन का भाव अलग होता है। अभी 4 दिन 8 दिन 10 दिन पहले हंस ध्वनि का भाव अलग था, उसके पहले कोई राग लिया था तो उसका भाव अलग था, आज हम भातखंडे जी को पुरियाधनाश्री के माध्यम से पुष्प अर्पित करना चाहते हैं तो एक अलग भाव है। चलो चालू करो, उनके उन भावों को प्रकट करने के लिए शायद उन्होंने ऐसा कंपोज किया होगा। गावत सकल गुणी गावत सकल गुणी
स्वरावली गाएंगे उतना 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 वो स्वरावली वो शब्द आपके अपने होंगे, क्योंकि वहां तो वही लिखा हुआ है पुर्यादनाशी, ऐसे किताब में लिखा हुआ है भातखंडे जी ने, तो किताब की अपनी एक सीमा है लिखने की, इन्होंने ऐसा लिखा है। अब आपके अंदर क्या भाव है आज, आंखें मुझे सब बता नहीं रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कौन क्या कह रहा है, प्लीज दुआएं देते रहिएगा बस, सादर सादर प्रणाम है सबको। चलो फिर से आधुनिक समय में भातखंडे जी ने उन थाटों को 10 थाटों में उत्तर भारतीय संगीत के 10 थाटों में उसको बना दिया, और उसमें पूर्वी थाट एक है जिसके अंतर्गत ये पूरा राष्ट्रीय राग बना हुआ है। बाद में उन्होंने कहा कि पहले आपको पुचकार उचकार कर अपनी जगह पर ले आए हो कि भैया तुम गुणी हो, समझ लो क्या होता है, तो पुर्यादनाशी पूर्वी ठाट से उत्पन्न होता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी बात को रखा। चालू पर एक बार जानकारी इससे मिल सकती है। चलो चालू करो फिर से सांवादी रहत परी
पंचम ऋषभ, पंचम ऋषभ उसका वादी संवादी हो गया। साम वादी राहत कही, इसलिए स्थाई की शुरुआत ही कोमल ऋषभ से की है उन्होंने। गावत चलो गावत सकल गुणि, गावत सकल गुणि पुर्याधनाश्री, God.
केवल महफिल या गाने बजाने के माध्यम से उनके ओरिजिनल किए हुए कार्यों पर चर्चा करते हुए अगर कार्य सिद्ध होगा तो ऊंची हवेलियों के साथ रहने के साथ साथ उस ऊंची हवेली के आनंद के साथ साथ उस छोटी सी मिट्टी से लिपी हुई झोपड़ी के रहने का आनंद भी लोग समझ पाएंगे। सादर सादर नाम उसको लोगों तक पहुँचाते रहिए।